वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को देश की जनता का आक्रोश क्यों सहन करना पड़ रहा है, जरा गौर करने जैसा है। नया आधार लिंक कराने से महाराष्ट्र में 10 लाख गरीब गायब हो गए। उत्तराखंड में भी कई लाख फर्जी बीपीएल कार्ड धारी गरीब खत्म हो गए। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी एलपीजी कनेक्शन धारक खत्म हो गए। मदरसों में वजीफा पाने वाले 1,95,000 फर्जी बच्चे गायब हो गए। 1.5 करोड़ से ऊपर फर्जी राशनधारी गायब हो गए। ये सब क्यों और कहां गायब होते जा रहे हैं? चोरों का सारा काला चिट्ठा खुलने वाला है, इसलिए सारे चोरों ने मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी कि आधार लिंक हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। चोरों को प्राइवेसी का कैसा अधिकार? मोदी ने फर्जी 3 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद कर दी हैं। राशन डीलर नाराज हो गए हैं, प्रॉपर्टी डीलर नाराज हो गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम बनने से दलाल नाराज हो गए हैं, 40,000 फर्जी एनजीओ बंद किए गए हैं, इसलिए इन एनजीओ के मालिक भी नाराज हो गए हैं। नंबर 2 की इनकम से प्रॉपर्टी खरीदने वाले नाराज हो गए हैं। ई टेंडर होने से कुछ ठेकेदार भी नाराज हो गए, गैस कंपनियां वाले नाराज हो गए हैं। अब तक जो 12 करोड़ इनकम टैक्स के दायरे में आ चुके हैं वह लोग नाराज हो गए हैं। जीएसटी सिस्टम लागू होने से व्यापारी लोग नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो लोग ऑटोमेटिक सिस्टम में आ गए हैं। वो 2 नंबर के काम करने वाले लोग फलना फूलना बंद हो गए हैं। ब्लैक को व्हाइट करने का सिस्टम एकदम से लुंज सा हो गया है। आलसी सरकारी अधिकारी नाराज हो गए हैं, क्योंकि समय पर जाकर काम करना पड़ रहा है। वो लोग नाराज हो गए हैं जो समय पर काम नहीं करते थे और रिश्वत देकर काम करने में विश्वास रखते थे। दुख होना लाजमी है। देश बदलाव की कहानी लिखी जा रही है, जिसे समझ आ रही है बदल रहा है, जिसे नहीं आ रही वो मंदबुद्धि युवराज के मानसिक गुलाम हमें अंधभक्त कह कह कर छाती कूट रहे हैं। अगर देश के लिए कुछ करना है तो यह संदेश 30 लोगों को भेजना पड़ेगा। बस आपको तो एक कड़ी जोड़नी है और देखते ही देखते पूरा देश जुड़ जाएगा। बस जरा सा फॉरवर्ड करो, सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। वंदे।